बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं अरशद अली, वेलकम टू माय यूट्यूब हमारे एल के चैनल पर सब दोस्तों को खुश आमदीद करता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कैलामाइन लोशन के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, मुल्क भर में दोबारा गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और गर्मी आते ही गर्मी दाने और चिकन पॉक्स और मीजल्स वगैरह फैल जाते हैं। तो इस हवाले से मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ लोशन के हवाले से। तो आपका कीमती टाइम ज़ाय के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें लोशन कैलामाइन की, तो इसमें 0.1% केलामाइन मौजूद है और इसी तरीके से डाइफिन हाइड्रोमाइन इसके अंदर 0.2% मौजूद है। तो इस ये जो सबसे ज़्यादा काम करती है चिकन पॉक्स में, स्किन में जितने भी एलर्जिक कंडीशन हो जाए, अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाए या किसी भी कीड़े मकोड़े की काटने की वजह से आपको रेशेज या आपको दाने नुमा निकल आते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और ये बहुत इफेक्टेड है एलर्जिक कंडीशन में। इसी तरीके से ये डर्मोडाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। और अगर हम इसकी कीमत की बात कर लें तो ये आपको बआसानी 80 रुपये में हर मेडिकल स्टोर में दस्तयाब है। और इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट जला हो, जले में भी ये काम करती है। अगर स्किन बर्निंग है उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस कैलामाइन लोशन की। और अगर आपको स्किन में गर्मी की वजह से जलन हो रही हो तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत कमाल के रिजल्ट हैं। सबसे बेहतरीन जो इसके रिजल्ट हैं तो ज़्यादातर उल्टा जकड़ा यानी कि चिकन पॉक्स में इस्तेमाल करते हैं इसको। और स्किन के लिए इंतहाई मुफीद लोशन है ये। स्किन में अगर आपको किसी भी वजह से एलर्जिक हो उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसको आप बैरूनी इस्तेमाल के लिए होती है ये, इसको पीने के लिए बिल्कुल नहीं होती। आप बात ध्यान में रखें, बच्चों से दूर रखने की प्रोडक्ट होती है ये। आप ज़्यादा दूर रखें बच्चों से, बच्चों के करीब इसको ना रखें और बच्चों को करीब ना आने दें। तो ये लोशन आप अगर आपके स्किन में कहीं पर भी दानों की वजह से निशानात वगैरह हो, जलन हो, उसमें बर्निंग वगैरह हो, उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो आज तक के लिए इतने का इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ।